किसने सिलेक्ट किया था गुंडों को? तुम नो मयंक, इतना छोटा सा काम नहीं हुआ तुझसे। सॉरी सर। सॉरी सुनने के लिए नहीं बुलाया मैंने यहां मयंक। लुक एट मी व्हेन आई टॉक टू यू। किसने बचाया रूही को? सर पता नहीं। नहीं बता। हाँ मयंक, तो पूछ ले उनके गुंडों से। सर वो भाग गए। मयंक जा और ढूंढ के ला उन्हें और बता कर, क्योंकि मैं तुझे भागने नहीं दूंगा, चमड़ी उधेड़ दूंगा। Stupid. Very good. एडवांस दिया तुमने इन लोगों को, काम भी नहीं हुआ और पैसे भी गए। ऐसे लोगों को चप्पल भिगो भिगो के मारना चाहिए था डीजे। इतनी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी तुमने हाथ से कैसे जाने दी? अपॉर्चुनिटी दोबारा मिल जाएगी कोयल, वो स्ट्रेस नहीं है। पर जो रूही का एक नया सपोर्टर पैदा हुआ है जिसके बारे में हमें नहीं पता, वो दिक्कत है। चमड़ी उखाड़ने पे भी नहीं पता चलेगा। ये तो मुझे पता था कि वो आग डीजे ने लगवाई है। अब ये यकीन हो गया है कि पिछले एक साल में जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ भी, वो सब कुछ डीजे ने करवाया था। It was all a setup. और इसीलिए मुझे बार बार लगता रहा कि दादा बाबू जिंदा हैं और वो हैं। मुझे दादा बाबू को ढूंढना है। पता नहीं बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं दादा बाबू को नहीं ढूंढ पाऊंगी वो जहां भी है। आज तो बिल्कुल वही बात कर रही है जैसे तूने सेवेंथ ग्रेड में की थी। याद है सेवेंथ ग्रेड में जब तू मैथ्स में फेल हो गई थी क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब तू घर आई और तूने मुझे दिखाया और फिर समझाते समझाते तूने उस इक्वेशन को खुद ही सॉल्व कर दिया था। कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब सामने कोई सोल्यूशन ही नहीं दिखाई देता है, लेकिन सोल्यूशन होता है। ऑनेस्टली पापा, आज भी मैं एकदम वैसे ही लॉस्ट फील कर रही हूं। ऐसा लग रहा है मैंने ये इक्वेशन कभी देखी ही नहीं है। बार बार ये लगे जा रहा है कि मैं दादा बाबू को नहीं ढूंढ पाऊंगी वो जहां भी है। यूवी बेटा, जैसे मैथ्स में कोई नंबर यूं ही नहीं होता है, जब एक से ज्यादा नंबर्स किसी इक्वेशन में आते हैं तो उनमें एक पैटर्न जरूर होता है। बस हमें उस पैटर्न को ढूंढने की जरूरत है। पता नहीं पापा, सब कुछ जंबल्ड अप लग रहा है। पजल सा लग रहा है ना। पजल के भी हर टुकड़े में जवाब होता है। बस तुम्हें सही टुकड़ों को जोड़ना है पूरी क्लैरिटी के साथ। तो आप कह रहे हैं कि मेरे सामने जो पजल है उसका सलूशन उसी पजल में है? बिल्कुल। उस दिन टैप से अजीब आवाज आ रही थी। फिर उस दिन डीजे दादा बाबू के रूम से अचानक से कहीं गायब हो गया। और वो रामलाल किसके लिए इतनी सारी आईवी बॉटल्स लेकर जा रहा था? और फिर जो माँ बोल रही थी, तू मेरी बात सुन, अपना प्लान सोच समझ के सावधानी से बनाना, क्योंकि ये महाजन जितने जमीन के ऊपर दिखते हैं ना उतने नीचे भी हैं। Vital reports of Bhanu Pratap Mahajan.
दादा बाबू के लिए महाजन हाउस से बढ़कर सेफ जगह और कोई हो ही नहीं सकती। प्रॉमिस यू दादा बाबू, आई विल फाइंड यू। मैं हर हाल में आपको ढूंढ निकालूंगी। दादा बाबू के फोटो को ऐसे क्यों देखे जा रही हो सुभद्रा? मैं देख रही हूँ कि दादा बाबू की फोटो आज कुछ अलग दिख रही है, पर ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आज ये अलग क्यों दिख रही है। कॉमन सेंस बुआ, दादा बाबू की जो फोटो पे वो सैड सा चंदन का हार डलता है, दैट इज मिसिंग। हाँ वही तो मैं सोचू। अब हार गया का? अरे सुभद्रा दीदी, आप ऐसे अचानक क्यों हंसने लगी? क्योंकि मुझे पता चल गया है कि वो हार कहाँ चला गया है। रियली? चलो बताओ, व्हाट्स अ सीक्रेट? बता दूं? What the hell, ये हार यहाँ कैसे आया? हाउसकीपिंग, कम मर का गए सबके सब। मम्मी की फोटो से हार हटाओ। हाउसकीपिंग। हाँ हाँ, जल्दी से ये हार हटाओ गार्गी की फोटो से। ये सब शुभ नहीं होता। कहीं सच में गार्गी? मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक करने की हिम्मत किसकी हो सकती है? अभी तो बस फोटो पे हार चढ़ाएगा अर्गिताई जी, और आप इतना डर रही हैं? ये तो बस शुरुआत है। इस घर में एक एक का हिसाब होगा जिसने मुझे और मेरे परिवार को परेशान किया है। लेकिन मुझे अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए पहले वो डिसाइड कर लूँ। पापा ने मुझसे कहा था कि पजल का सलूशन पजल में ही छिपा होता है। वाइटल रिपोर्ट्स ऑफ भानु प्रताप महाजन। मेरे दादा बाबू जिंदा है। एड्रेस आर का क्लिनिक।
हेलो अर्का क्लिनिक, हाउ कैन आई हेल्प यू? क्या कर रही है युविका? इस तरह एक्साइटमेंट में रिस्क पे रिस्क नहीं ले सकती तू। वहां डायमंड सिंह के लास्ट डायल में तेरा नंबर था, अब आर्का क्लिनिक के सिस्टम में भी अपना नंबर स्टोर करवाना चाहती है। अगर डीजे को जरा सी भी भनक लगेगी ना, तो वो दादा बाबू तक मुझे कभी नहीं पहुंचने देगा। हर कदम सावधानी से रखना है। डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर अग्रवाल से? जी जी, और वो तो अभी बाहर गए हैं। उनके उनके असिस्टेंट से मिलवा दीजिए, इमरजेंसी है। आप ठीक है मैम, मैं चेक करके बताती हूँ। जी हम डॉक्टर नहीं तो हम असिस्टेंट से क्यों मिल रहे हैं? रोज हमें किसी से नहीं मिलना है, हमें बस ये पता करना है कि दादा बाबू के बारे में और डिटेल्स हैं या नहीं। तुम रिसेप्शनिस्ट पर नजर रखो प्लीज। हाँ। जल्दी कीजिए नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। रोज की पफर हो रहा है, तुम उसका ध्यान भटकाओ, कुछ भी करो। अरे इतना सारा पानी कैसे गिर गया? गोपाल जल्दी से आके इसे साफ करो, वरना फिसल के कोई गिर जाएगा। सॉरी मैम, बट उनके असिस्टेंट भी अभी अवेलेबल नहीं है, तो डॉक्टर अग्रवाल के वापस आने के बाद ही आप लोगों से मिल पाएंगे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसने दादा बाबू को कहाँ रखा होगा। मुझे ना टीजे की तरह सोचना पड़ेगा, तब जाके मुझे कुछ समझ में आएगा। मैम वो कौन हो तुम? What do you mean? I am युक्ति मुल्तानी। बस अब तो ही असलियत मुझसे मत छुपाओ। तुमने अपना फेस इसलिए कवर किया था ताकि हमें तुम्हारी सच्चाई पता ना चले। अगर स्काफ गिरा नहीं होता तुम चुपचाप हमारी मदद करके वहां से चली जाती। मुझे बहुत चिंता हो रही है, मुझसे क्यों सच छुपा रही हो? मुझे तो बता दो कि असलियत क्या है। What are you saying? वो स्कार्फ हमेशा मेरे बैग में रहता है। लकीली उस दिन मैं टाइम पे आपके पास पहुंच गई एंड आई हेल्प्ड यू। एंड एक सेकंड,
आपने खुद बोला था कि आप इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगी। Listen to me very carefully. You should be thankful कि UJ safe है। आप प्लीज जाकर अपने बच्चे पर ध्यान दो और इस पे नहीं कि मेरी असलियत क्या है। प्लीज युविका, मेरे साथ तो ऐसा मत करो। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? अगर तुम हो ना युविका, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे और यूजे को बचाने आई हो। प्लीज सच बोल दो युविका, प्लीज। सॉरी भाभी, जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता मैं आपको सच नहीं बता सकती। मेरे योगा का टाइम हो रहा है रोज। यस। अच्छा युविका प्लीज। पता नहीं तुम मुझसे ये राज क्यों छुपा रही हो, लेकिन अगर तुम युविका हो ना तो तुम निश्चिंत रहना, ये राज सिर्फ हमेशा हम दोनों के बीच में रहेगा। युविका, गुड मॉर्निंग मिसेस महाजन। यू नो वॉट, द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, यू लुक टू यंग। आप दिग्विजय की मॉम लग ही नहीं रहे थे, और आज उसके पीछे का राज भी पता चल गया। फ्रीक, फिटनेस फ्रीक। थैंक यू सो मच, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे और मोटिवेट करते हैं। ओह बाय द वे, आज मैं एक ऑनलाइन मीटिंग में थी, इट वॉज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, और वहां पे सडनली मिस्टर भानु प्रताप महाजन के बारे में बात शुरू हो गई। सब लोग काफी उनकी तारीफ कर रहे थे, और उनकी इतनी तारीफ सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा दैट वो हमारे बीच में रह रहे हैं, एंड आई शुड मीट हिम। मिसेस महाजन, आर यू ओके? यू नो व्हाट, भानु प्रताप महाजन मर चुके हैं, so उनसे तुम्हारा मिलना तो इम्पॉसिबल है। I'm sorry, I know Mrs. Mahajan कि Mr. Bhanu Pratap Mahajan हमारे बीच में नहीं रहे। I'm just saying काश वो हमारे बीच में होते और मैं उनसे मिल पाती। Mrs. Mahajan, is it hurting? लगता है आपने अपनी नेक काफी बुरी तरह से स्प्रेन कर ली है। By the way, आपकी हालत देखकर मुझे एक और चीज याद आ गई। Mrs. Mahajan, महाजन हाउस में भी कोई बहुत ज्यादा बीमार है जिसके लिए रेगुलरली आईवी पाउचेस मंगाए जाते हैं। युक्ति, लगता है तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन अभी बंद नहीं हुई है। नो 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 मिसेस महाजन, मैं कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही हूं। आई जस्ट यू नो आस्क्ड आउट ऑफ कंसर्न। मिसेस महाजन, लगता है ये नेक पेन काफी सीरियस है। डू यू वांट टू हेल्प? डू यू वांट टू गिव योर नेक मसाज? नो नो नो, जस्ट लीव मी अलोन, डोंट इवन ट्राई दिस प्लीज। ओके मिसेस महाजन, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, दिस नेक पेन कुड गेट वर्स। मेरी किस्मत ही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हेलो पार्टनर। हाय। थोड़ी देर में मेरे रूम में मिले। आपको देखकर डेस्परेटली पत्ते खेलने का मन कर गया। सो क्यूट। श्योर। सी यू सून। Thanks for the invitation. Anytime.
If you don't mind, एक बात कहूँ? Please, please go ahead. Partners में कैसा संकोच? How sweet. आप शायद हंसेंगी लेकिन बहुत सारी चीजों में मैं काफी देसी हूँ. मुझे पत्ती खेलना पसंद है. हाँ. You like it? We played. Oh, that's nice. लीजिए. आप स्टार्ट कीजिए तब तक मैं हमारे लिए ड्रिंक्स बना लेती हूँ. नहीं 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 आप अपने लिए ड्रिंक बना लीजिए. आज मंगलवार है ना, मैं ट्यूसडेज को नहीं पीती. Oh God, अगर ये पियेंगी नहीं तो इनसे उगलवाऊंगी कैसे? काटी क्या? सुभद्रा बुआ ही एक जरिया है जिनसे मैं पता कर सकती हूँ कि डीजे रूही भाभी के खिलाफ आगे क्या प्लान कर रहा है. ये रहा जोकर. वैसे एक बात बताऊं, मेरी लाइफ में मेरी किस्मत ही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लेकिन पत्तों के मामले में मेरी किस्मत हमेशा मेरा साथ देती है. बच के रहना मुझसे, बाजी मार ले जाऊंगी. आई नो आपकी किस्मत के बारे में, बट आपकी किस्मत सिर्फ कार्ड्स में अच्छी नहीं, एक और चीज में काफी अच्छी है. सच्ची? किस में? पूरी दुनिया की खबर हासिल करने में. ओह, दैट रिमाइंड्स मी, रूही. रूही का क्या हाल है? क्या वो अपने बेबी का ध्यान अच्छे से रख रही है? अरे रूही तो ना, ये हो क्या रहा है? किसी बाहर वाले को हमारे प्लान के बारे में कैसे पता? हमारे प्लान के बारे में सिर्फ आपको, बुआ को, कोयल को और मुझे पता था. नूरी जी, एक और इंसान था जिसे मालूम है. कम ऑन मम्मी जी, क्यों किसी बाहर वाले को हमारे प्लान के बारे में बताएंगे? वही तो चाहती हैं कि रूही घर से बाहर जाए. हम सब में, इंक्लूडिंग सृष्टि जी, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इंफॉर्मेशन लीक करेगा, वो भी किसी बाहर वाले को. बट इंफॉर्मेशन लीक हुई और इतनी प्रिसाइसली लीक हुई कि कोई रूही को बचाने के लिए एग्जैक्ट टाइम पे वहां पहुंच गया. वो इंसान था कौन जो उसको बचाने के लिए वहां आया? जो मैं पढ़ना तो एक छोटी सी बात बता देती हूँ. आज रूही के साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है. वैसे आई वंडर तुम्हें रूही में इतना इंटरेस्ट क्यों है? नहीं मतलब क्लब में भी तुम रूही के बारे में ही पूछ रही थी और बातों ही बातों में मैंने तुम्हें बता भी दिया था कि रूही के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है और फिर हमारा वो सारा के सारा प्लान फेल हो गया. युक्ति, रूही के प्लान के बारे में तो सिर्फ हम ही लोगों को पता था और तुम्हें तो ये बात मैंने ही बताई थी. हम में से तो ये प्लान कोई फेल करेगा नहीं, तो फिर तुमने ये प्लान फेल कराया. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.